अमृतसर गुरु की नगरी और मेरे दादाजी की भी। मैंने बचपन से ही ना इस शहर की कहानियाँ बहुत सुनी हैं, यहाँ का खाना, यहाँ का कल्चर। इसलिए आज मेरे लिए मौका है कि मैं उन कहानियों को जी सकूँ। हमारी ना बस ने हमें इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से बहुत जल्दी पहुँचा दिया है। जब मैं बस बुक कर रही थी ना तो उसने कहा था 8 बजे तक पहुँचाएंगे, हम कुछ ज़्यादा ही जल्दी पहुँच गए। तो आई थिंक मुझे भूख तो लग रही है क्योंकि रात का खाया हुआ है, तो कुछ तो छोटा मोटा ढूंढेंगे, नहीं तो चाय ढूंढ लेंगे यार। चलो देखते हैं कुछ तो मिलेगा। दादाजी को ये शहर छोड़े जमाना बीत गया है, तो अब जिस शहर में घर नहीं होता वहाँ ना घर ढूंढना पड़ता है। ये डॉर्म है क्या? ये भी डॉर्म है, वो भी डॉर्म। अच्छा नहीं तो कमरा किथे है? ऊपर है। ओ बढ़िया, ठीक है जी, वो बढ़िया। थैंक यू, वेलकम। नॉट बैड। अमृतसर इज द कलिनरी कैपिटल ऑफ पंजाब, तो यहाँ आके सबसे पहले मुझे कहानी का वो हिस्सा याद आया जो 100 साल से भी ज्यादा पुराना है। अंकल जी सत श्री अकाल, केसर दा ढाबा किधर है? सीधा, बिल्कुल सीधा, 5 मिनट दा रास्ता। ठीक है, पंजाब में आके पंजाबी नहीं बोली ते के बोली की बोलिया? कड़ी धूप से बारिश हो रही है, मैं नहीं बिलीव करूंगी अब गूगल मैप्स पे या फिर गूगल पे। बहुत हैवी खाना, इनके पराठे का साइज मेरे फेस के साइज से बड़ा है। मेरे को ये लग रहा है कि आप खाने को थोड़ा डाइजेस्ट करने के लिए ना हमें थोड़ा चलना चाहिए। चल के देखते हैं अगर हम गोविंदगढ़ फोर्ट चले तो। मोंटी हाय, आई फाइनली वांट यू पीपल टू सी यू, यू आर लाइक द मिस्टीरियस गाय। एंड स्नेहा गिव्स अवर टिपिकल लाफ व्हिच इज यूजुअली अ टैड बिट सार्कास्टिक, एंड देन देयर इज दिस गाय इन आवर टीम हु इज बाइपोलर। After this heavy ghee filled diet, मेरे लिए वक्त था गोविंदगढ़ फोर्ट जाने का। ये फोर्ट रिसेंटली लोगों के लिए ओपन किया गया है, मतलब इसे तो दादाजी ने भी नहीं देखा होगा ना। फाइनली मैं गोविंदगढ़ फोर्ट पहुंच गई हूँ। एक्चुअली मैंने सुना है गोविंदगढ़ फोर्ट ना पिछले बहुत सालों से आर्मी के अंडर था, बट फाइनली 2017 में गवर्नमेंट ने ये पब्लिक के लिए ओपन कर दिया, तो अब बहुत से लोग आते हैं। मेरे लिए भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, आई एम वेरी एक्साइटेड। और एक और चीज़ मैंने सुनी है कि यहाँ पे ना जमजमा है जो कैनन बोली जाती है, तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू एक्सपीरियंस समथिंग न्यू। एंड जमजमा आई नो इट साउंड्स मैजिकल बट इट्स अ कैनन, आई एम एक्साइटेड। पर क्यों नहीं जाने दे रहे, पूछो एक बार, ट्राई करो, कोई चांस ही नहीं है। अब क्योंकि फोर्ट में तो कैमराज अलाउड नहीं है, शायद इसी दिन के लिए ना फोन्स में कैमराज इंक्लूड किए गए थे। थैंक गॉड टू टेक्नोलॉजी। अमृतसर में ना एक्चुअली पंजाब में ना एक ट्रेंड है पतंग उड़ाने का, उनको कोई फेस्टिवल कोई त्योहार नहीं चाहिए, तो मेरा भी मन कर रहा है एक दो पतंग तो उड़ा लूँ, थोड़ा सीख भी लूँगी। तो पतंग खरीदने जाते हैं और फिर सीखते हैं पतंग उड़ाने के लिए। हेलो सर, सत श्री अकाल, मुझे पतंग चाहिए और ऐसे देना 2-4 क्योंकि मुझे उड़ानी नहीं आती है, तो एक गई तो दूसरी। अंबर सच आके पतंग नहीं उड़ाई तो की उड़ाया। ये एक ऐसा शहर है जिसकी मैंने इतनी कहानियाँ सुनी है मेरे दादाजी से, मेरे पापा से। स्काई इज लिट विद kites right now and trust me it's so lively to watch, it's like everybody comes together in the evening, this feeling is it's so lively and so fulfilling that I really enjoyed it. Main ta tun tuna bajanda to to ganda main kon kuch nahi aanda गई सत मैं तो टन टन आ पे चढ़ा
ਰੋਸਟਡ ਬਟਰ ਚਿਕਨ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੂਰ ਸੇ ਸਪਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਯਾਦ ਆ ਬਟਰ ਚਿਕਨ ਕਰੀ ਮਤਲਬ ਯਾਦ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੈ ਕੜਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਹੈ ਵਧੀਆ ਪੱਕੀ ਗੱਲ So if you're a non-veg lover, then don't you dare miss Bira chicken in Amritsar. मतलब ये चिकन देखो यार क्या बात है स्वाद ही अलग है I was thinking कल सुबह like जल्दी से जल्दी ट्राई करते हैं कि हम गोल्डन टेम्पल जाएं क्योंकि मैंने सुना है कि सुबह के दर्शन ना अरदास बहुत बहुत खूबसूरत होती है वी कैन ट्राई दैट ट्राई कर सकते हैं श्योरिटी तब भी मैंने कहा वी कैन ट्राई दैट चले खड़े हो चलो यार मैं एक्चुअली अपने दिन की शुरुआत ना पॉजिटिव वाइब और स्पिरिचुअल फीलिंग से करना चाहती हूँ हम अंदर शूट नहीं करना चाहते क्योंकि मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहती तो मैं बताती हूँ आपको मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा मैं जैसे अपनी सुबह चाहती थी ना एक्चुअली मैं एग्जैक्टली वैसी हुई एकदम शांतिपूर्वक ब्लेसिंग से फिल्ट मॉर्निंग चलाती थी और एग्जैक्टली वैसी हुई है मेरी सुबह तो बहुत बढ़िया निकली है लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि एक अच्छा सा यम्मी सा ब्रेकफास्ट हो जाए उसके बाद मैं अपना दिन डिसाइड करूँगी कि मुझे क्या करना है देखो कुलचे तो आप सबने खाए होंगे पर अमृतसर के कुलचे वो भी भाई कुलवंत सिंह के कुलचे आओ मैं खिलाती हूँ पिथी ना पिथी पिथी माँ की दाल माँ की दाल का ना हाँ तो एक पिथी दो पनीर और एक आलू परांठे को कट कर देना तुझे सो गुड मॉन्टी शुरू हो जा इसको कहते हैं असली अमृतसरी कुलचे दिल्ली में तो फीके कुलचे मिलते हैं स्टफिंग ही अलग थी क्या आम का अचार ओ हो जब मैं खा रही थी मुझे पूजा करती हूँ पूजा से मुझे एक और बात याद आई हम सबको पता है कि अमृतसर गुरुओं की नगरी है करेक्ट लेकिन अमृतसर और रामायण की भी एक हिस्ट्री है लव कुश के बारे में पता है आओ बताती हूँ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਨੇ ਬਨਵਾਸ ਕੱਟਿਆ 12 ਸਾਲ 12 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਵਾਲਮੀਕਿ ਜੀ ਦੀ ਕੁਟਿਆ ਸੀ ਕੁਟਿਆ ਵਾਲਮੀਕਿ ਜੀ ਕੀ ਲਵ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਸੀ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਾਲਮੀਕਿ ਜੀ ਨੇ ਕੁਛਾ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਲਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਹਨੂਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਢਾਈ ਟੱਪ ਹਾਂ ਢਾਈ ਟੱਪ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਆ ਅੱਛਾ ਦੋ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਆਧਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਇਸੀ ਕੀ ਸਾਰੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕੁੰਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਤਾ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 12 ਸਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀ ਦੇ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਹੋ ਕੇ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 40-40 ਸਾਲ ਨੇ ਬੱਚਾ ਦਾ ਉੱਥੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਤਾ ਮਈਆ ਆਪ ਕੈਸੇ ਆਤੇ ਥੇ ਯਹਾਂ ਪੇ ਇਹ ਵੋਹੀ ਸਟੋਰੀ ਨਾ ਜੋ ਆਂਟੀ ਬਤਾ ਰਹੀ ਥੀ ਕਿ ਜਿਨਕੋ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਤੇ ਐਸੀ ਮਾਨਤਾ ਹੈ ਜਿਨਕੋ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹੋਤੇ बहुत खूबसूरत है ना मतलब मैंने कभी सुना नहीं था और आज जाके पता चला कितनी हिस्ट्री है इसके पीछे कितना कुछ जानने को मिला मुझे लवली एक्सपीरियंस और वहाँ ना मैंने एक आंटी को ना कुछ ऐसे आम पापड़ खाते हुए देखा था तो फिर मुझे भी ऐसे मन कर गया खाने का तो अब मैं सोचा है कि हम लॉरेंस रोड जा रहे हैं कुछ चटपटा आम पापड़ टाइप कुछ खाने का सो आई एम वेरी एक्साइटेड भैया जल्दी चलो यार मेरी माँ की ना लिस्ट ख़त्म नहीं हो रही उन्हें जब से पता चला ना मैं अमृतसर जा रही हूँ उन्होंने 1000 चीज़ों की लिस्ट दे दी है उसमें से एक है पतीसा तो मम्मी ने बोला नॉवेल्टी की मिठाई बहुत फेमस होती है तो चलो आधा किलो पतीसा पैक करना है दिल्ली लेके जाना है पुग्गा है ना पुग्गा टेस्ट करवाओगे सो दिस इज पुग्गा पंजाबी स्वीट खा के देखते हैं ऐसा क्या है जो पापा को बहुत पसंद है मैं थोड़े आम पापड़ ट्राई कर सकती हूँ आइटम टेस्ट करो मेरे मुंह में ऑलरेडी पानी आ रहा है
ये है मेरे पास है असॉर्टेड है अच्छा इसमें आपको अलग अलग से टेस्ट मिल जाएंगे जिसमें ये खट्टा है ये खट्टा है ये खट्टा मीठा है खट्टा मीठा ये बिल्कुल मीठे में आ गया ठीक है उसके बाद इसको हमने स्ट्रिप्स में काटा हुआ है और ये रोल में है ओके ये परफेक्ट पैक है अच्छा एक बात बताओ अमृतसर में आम पापड़ इतना फेमस क्यों है फेमस हमने किया है अच्छा इसको इसको क्वालिटी की मेंटेन करके आम पापड़ तो आप जाओगे हिमाचल में भी मिलेगा आप माता पे जाते हो तो वहाँ पे भी मिलता है वैष्णो देवी लेकिन यहाँ पर क्यों खास है अमृतसर में भी आओगे तो लुभाया राम का ही नाम ढूंढ के आओगे ओहो हो मजेदार ये इमली का पेड़ा है बहुत टेस्टी है बहुत यम्मी है मैंने इतनी शॉपिंग करी है ना अपने लिए नहीं मम्मी के लिए मम्मी बहुत खुश होने वाली है और अब मुझे अपने लिए भी थोड़ी सी शॉपिंग करनी है उसके लिए मैं जा रही हूँ हॉल बाजार इसमें दिखाना वेरी प्रिटी एक्चुअली प्रिटी नो ये थोड़ा खुला है साइज हाँ मैं ये लूँगी शायद चल मेरी तो हो गई वो लिस्ट मैंने कलरफुल वाली अब फुलकारी लेना उसके बाद मैं सॉर्टेड हूँ फिर खाना खाएंगे और फिर घर चलेंगे ओहो बहुत ही बढ़िया भेजा इधर ट्रेडिशनल दिखाई है ऑथेंटिक दिखाई है आपकी शॉप कितनी पुरानी है 30 इयर्स एंड वी आर स्पेसिफिक इन फुलकारी अच्छा स्पेशलाइज इन फुलकारी देखो मैं दो ले रही हूँ अगर आपने मुझे प्राइस सही नहीं दिया तो मैं आपसे बात नहीं करूँगी तो अगर हम पैसे नहीं लेंगे तो ऐसा भी मत करना कोई बात आई मेक इट रीजनेबल पता शॉपिंग करने का मजा तब आता है जब आप ऑथेंटिक चीजों को पहने ऑथेंटिक चीजें खरीदे तो आज का ऑथेंटिसिटी तो खत्म है क्योंकि मैंने बहुत शॉपिंग कर ली है खाने से लेके जूती से लेके कपड़ों तक सब हो चुका है नाउ आई थिंक इट्स टाइम टू डू सम पेट पूजा अगेन तो हम चले कुछ नया कुछ डिफरेंट खाने और ना थोड़ा अजीब सा भी लग रहा है क्योंकि मेरा ट्रिप ख़त्म होने को आ रहा है पर उससे पहले कुछ इंटरेस्टिंग और यमी खाते हैं चले कुलचा चेक पराठा चेक दाल मखनी चेक बटर चिकन चेक फिश फ्रॉम मक्खन वाला चेक द ट्रिप हैज कम टू एन एंड नो इट्स जस्ट द बिगिनिंग फॉर मी आई एम टेकिंग अवे सो मैनी मेमोरीज दैट आई एम श्योर विल लास्ट फॉर एवर विद मी इस शहर की कहानियाँ मैंने बचपन से ही बहुत सुनी हैं और यहाँ आकर आई फील आई रीलिव्ड देम ऑल Thank you, Amritsar. Thank you. You've been magical.